आगरा से होकर बहने वाली कालिंदी यमुना नदी इन दिनों खुद पानी को तरस रही है। कल कल बहने वाली विशाल स्वरूप में यमुना नदी आगरा से होकर बहती है, जो इन दिनों पानी को खुद तरस रही है। जिस पानी से आगरा शहर की प्यास बुझती थी, पानी की जरूरत पूरी होती थी, आज उस यमुना नदी में पानी नहीं है। और अगर कुछ दिख रहा है तो दूर दूर तक यमुना नदी में मैदान का स्वरूप ले लिया है। एक खुला हुआ मैदान जैसे होता है, वैसे ही यमुना नदी की इन दिनों हालत है। एक छोटी सी पानी की धार यमुना नदी के किनारे से बह रही है। केवल उतना ही हम कह सकते हैं कि यमुना नदी में सिर्फ उतना ही पानी है जितनी एक छोटी सी धार यमुना नदी से होकर बह रही है। गंगा दशहरा का मौका है और दशहरा पर यमुना नदी स्नान करना और गंगा स्नान करना विशेष ही पावन माना जाता है और उसका विशेष महत्व है। सनातन धर्म में गंगा स्नान यमुना स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, ऐसी आस्था है। अब यमुना नदी में पानी नहीं है तो आस्था की डुबकी आखिर कैसे लगेगी? और यमुना प्रेमी जो है उनमें आक्रोश है, उनके मन में पीड़ा है कि इतना पावन मौका है, इतना बड़ा अवसर है, मौका है स्नान करने का, लेकिन नदी में जब पानी ही नहीं है तो स्नान आखिर कैसे हो पाएगा और आस्था की डुबकी आखिर कैसे लगेगी? हम आपको पूरा नजारा दिखा रहे हैं। हम इस समय आगरा से होकर बहने वाली कालिंदी नदी यानी कि यमुना नदी के किनारे पर खड़े हैं। जहां तक हम देख रहे हैं, यमुना नदी ने पूरा मैदान का रूप ले लिया है, मैदान का स्वरूप ले लिया है, पानी की बेहद कमी है। तो ये कहना एकदम वाजिब होगा कि विशाल रूप में बहने वाली यमुना नदी इन दिनों खुद अपने लिए पानी के लिए तरस रही है। यमुना नदी के कई महत्व हैं। एक तो आस्था का महत्व है कि आस्था की डुबकी का अवसर है, लेकिन बिन पानी के आस्था की डुबकी कैसे लगेगी? दूसरा इसका महत्व है कि यमुना नदी संगमरमरी इमारत, विश्वदाई इमारत, ताजमहल से होकर गुजरती है, जिससे ताजमहल की खूबसूरती को चार चांद लगते हैं। लेकिन जब पानी ही नहीं है तो खूबसूरती को चार चांद कैसे लगेंगे? आखिर कालिंदी की प्यास कब बुझेगी? यमुना नदी में पानी कब आएगा? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आगरा शहर के पानी की जरूरत को यमुना नदी पूरा करती है। पानी की सप्लाई यमुना नदी से बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर आगरा शहर में की जाती है, ताकि यमुना का पानी लोगों तक पहुंचे और लोगों की पानी की जरूरत पूरी हो। लेकिन यमुना नदी में इन दिनों पानी नहीं है और है तो सिर्फ मैदानी इलाका जैसा, रेतीला मैदानी इलाका बना हुआ है। बड़ा सवाल सिर्फ इतना है कि इस पावन अवसर पर, दशहरा के अवसर पर आस्था की डुबकी आखिर यमुना नदी में कैसे लगेगी, जब यमुना नदी खुद ही पानी को तरस रही हो।